अस्सलामु अलैकुम गाइस एंड वेलकम टू ऑटो नेस्ट। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं सुजुकी एवरी वैगन का। ये सुजुकी एवरी वैगन की फिफ्थ जनरेशन है और जिस गाड़ी का हम रिव्यू कर रहे हैं वो है सुजुकी एवरी वैगन का 2010 का मॉडल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सुजुकी एवरी वैगन के एक्सटीरियर की। सबसे पहले देख लेते हैं सुजुकी एवरी वैगन के फ्रंट एंड को। तो फ्रंट के अंदर सुजुकी एवरी वैगन के अंदर क्रिस्टल हेडलैम्प्स दिए गए हैं विद हैलोजन बल्ब्स। इसके अलावा इन हेडलैम्प्स के अंदर पार्किंग लाइट और इंडिकेटर भी इंटीग्रेटेड है। बात कर लें फ्रंट ग्रिल डिज़ाइन की, तो फ्रंट ग्रिल के अंदर क्रोम ट्रिम का इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा फ्रंट ग्रिल में एक सुजुकी का बैज भी मौजूद है। सुजुकी एवरी वैगन के बम्पर के अंदर फॉग लाइट्स इंस्टॉल नहीं है, जबकि फॉग लाइट्स को इंस्टॉल करने के लिए जगह दी गई है। अब बात कर लेते हैं सुजुकी एवरी वैगन की साइड प्रोफाइल की। तो सबसे पहले तो साइड फेंडर पे देख लेते हैं, साइड पे एक इंडिकेटर मौजूद है। इसके अलावा सुजुकी एवरी वैगन में सन वाइजर्स भी इंस्टॉल्ड हैं। सुजुकी एवरी वैगन के पिछले चारों शीशों में प्राइवेसी ग्लास दिया गया है। इसके अलावा इसमें एक रूफ माउंटेड एंटीना भी मौजूद है। सुजुकी एवरी वैगन में 13 इंच के व्हील्स दिए गए हैं। इसके अलावा फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स मौजूद हैं। सुजुकी एवरी वैगन के साइड मिरर्स बॉडी कलर मैच्ड हैं। इसके अलावा ये मिरर्स ऑटो रिट्रैक्टेबल और ऑटो एडजस्टेबल भी हैं। अब बात कर लेते हैं सुजुकी एवरी वैगन के बैक एंड की। सुजुकी एवरी वैगन का बैक एंड काफ़ी इम्प्रेसिव लुकिंग है। सुजुकी एवरी वैगन की टेल लाइट्स में ब्रेक लैंप, रिवर्स लाइट और इंडिकेटर इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा रियर बम्पर का डिज़ाइन सिंपल है। रियर विंडो पे एक वाइपर भी मौजूद है। इसके अलावा एक विंडो वॉशर और एक हाई माउंटेड ब्रेक लैंप भी दिया गया है। सुजुकी एवरी वैगन के बैक पर एवरी वैगन की बैजिंग मौजूद है। इसके अलावा सुजुकी एवरी वैगन के तमाम डोर हैंडल्स पे क्रोम का इस्तेमाल किया गया है।
ओवरऑल सुजुकी एवरी वैगन के एक्सटीरियर की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लुकिंग है। सुजुकी एवरी वैगन में रिमोट की लॉक अनलॉक दिया गया है। इसके अलावा सुजुकी एवरी वैगन के डोर हैंडल्स में क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। बात कर लें डोर ट्रिम की तो ये प्लास्टिक ट्रिम इस्तेमाल की गई है जिसके ग्रैब हैंडल्स में फैब्रिक का इस्तेमाल भी किया गया है। इसके अलावा डोर के अंदर एक पॉकेट भी मौजूद है और ड्राइवर डोर के अंदर पावर विंडो स्विचेस, साइड मिरर कंट्रोल करने के लिए स्विचेस दिए गए हैं और इसके अलावा डोर के अंदर स्पीकर भी मौजूद है। सुजुकी एवरी वैगन में डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन भी आता है। इसके अलावा इसके डैशबोर्ड के अंदर चार एयर कंडीशनिंग वेंट्स मौजूद हैं। सुजुकी एवरी वैगन में ड्राइवर सीट हीटेड सीट का ऑप्शन भी दिया गया है। सेफ्टी की बात करें तो ड्राइवर और पैसेंजर के लिए एक एक एयरबैग मौजूद है। इसके अलावा ग्लव बॉक्स के अंदर भी काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। सन वाइजर्स के अंदर मिरर भी इंटीग्रेटेड है। अब बात कर लेते हैं सुजुकी एवरी वैगन के गेज क्लस्टर की। तो सुजुकी एवरी वैगन के गेज क्लस्टर के अंदर स्पीडोमीटर, रेफ काउंटर दिया गया है। इसके अलावा गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मौजूद है। इसके अलावा सुजुकी एवरी वैगन में ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स दिए गए हैं और ये मिरर्स ऑटो एडजस्टेबल भी हैं। अब बात कर लेते हैं सुजुकी एवरी वैगन की सेकंड रो की। तो सेकंड रो की डोर हैंडल्स भी में क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा सेकंड रो की डोर में चाइल्ड लॉक भी दिया गया है। सुजुकी एवरी वैगन में हेड रूम और लेग रूम का भी कोई मसला नहीं है। इसके अलावा सेकंड रो की डोर ट्रिम के अंदर भी प्लास्टिक और फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है।
इसके अलावा सुजुकी एवरी वैगन की सेकंड रो के अंदर आर्म रेस्ट और कप होल्डर भी मौजूद हैं और ये सीट्स फुली रिक्लाइनेबल भी हैं। सुजुकी एवरी वैगन की बूट में काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है। इसके अलावा सेकंड रो की सीट्स को फुली रिक्लाइन करके इस स्पेस को मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। सुजुकी एवरी वैगन की इस स्पेस को एज अ थर्ड रो भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें स्पीकर्स भी मौजूद हैं और एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया गया है। अब बात कर लेते हैं सुजुकी एवरी वैगन की परफॉर्मेंस की। सुजुकी एवरी वैगन के अंदर 660 सीसी टर्बो इंजन दिया गया है जो कि 64 हॉर्स पावर और 95 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करता है और इस इंजन के टर्बो चार्ज होने की वजह से गाड़ी में पावर की कमी महसूस नहीं होती। सुजुकी एवरी वैगन की प्राइस की बात कर लें तो ये पाकिस्तान में 13 से 14 लाख रुपए के बजट में आपको मिल जाती है और जो कि पाकिस्तान में फैमिलीज़ के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।